उन्होंने मातु लकड़ी रख दी, आपके मतलब तुम्हें ईंट रख दी, पत्थर रख दिए, पुल पे ऐसी क्या चीज रख दी, सारे पुल मातु गिरते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल साजिश का ही एंगल है, क्योंकि आप पटरी पर जो है आप कुछ नहीं रख सकते। हम जब टेंट में थे तब किसी को चिंता नहीं होती थी, जो परमिशन ले लेके हम टेंट चेंज करते थे किसी को दर्द नहीं होता था। आज एक फोन टपक गया तो सबको दर्द हो गया। चेतन जो गलत काम करता है, जो भी कोई हो, अगर उसको उसकी सजा निर्धारित हो जाए, उसकी जवाबदेही तय हो, तो ये देश में ये क्राइम ही खत्म हो जाएंगे। देश में ट्रेन हादसा एकाएक बढ़ गया है, और हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई जिसमें ट्रेन की पटरियों पर पत्थर, लोहे के टुकड़े जैसे चीजों को रखा गया था, और इससे ट्रेन हादसे भी हुए। अब ऐसे में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये ट्रेन हादसा एक साजिश के तहत किया गया। जनता की राय में आज इसी मुद्दे पर जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता इस पर क्या कुछ कहती है। क्या नाम है चंदन जी? लगातार ट्रेन हादसे जो हो रहे हैं, और बीते अगर कुछ दिनों में खबरों को देखे तो उसमें लगातार ये आ रहा है कि कहीं पटरी पर ईंट रख दिया गया है, कहीं पटरी पर बड़ा सा लोहे का टुकड़ा रख दिया गया है, और एक साजिश का एंगल जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल साजिश का ही एंगल है, क्योंकि आप पटरी पर जो है आप कुछ नहीं रख सकते, लेकिन क्या उस पर कोई रोड़ी रख देता, कोई लक्का रख देता, तो ये साजिश ही हो रहा है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, चाहे किसी भी सरकार को बदनाम करने के लिए। ये नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, मानव की क्षति होती है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है डाउन जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि एक अगर ट्रेन हादसा होता है तो बहुत ज्यादा भारत को उसको क्षति मिलता ही मिलता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ईंट जो पत्थर रखे आपने देखे हैं? न्यूज बहुत आ रखे भाई, न्यूज में ना जाओ, न्यूज तो बहुत बोला है, न्यूज पे तो सुन लीजिए, इससे पहले भी थे भाई, ऐसा नहीं, आज ही सारे होने लगे इतने भाई, रेत पलटे आज मंदिर क्यों उखड़ जा रहे हैं, क्यों मंदिर में पलट जा रहे हैं, आज सबसे ज्यादा ऐसा क्यों है मेरे भाई? ये बात नहीं है, उनकी देखभाल ही नहीं होगी, ठीक है बड़े भाई, शांति सुनना चाहिए। जब रेल की पटरी मैंने तो बिछा दी है, ठीक है, अब उसकी आप देखभाल नहीं करोगे, मैं तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बनती यार, जो रेल मंत्री उनकी जिम्मेदारी, अरे सुन लीजिए भाई, पटरियां जो भी पटरियां हैं तो दोनों तरफ जो है वो ईंट की दीवारें लगा दे, चाहे कुछ भी लगा दे, जिससे कोई पटरी पे कोई जा ना सके, चाहे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली कोई भी ना जा सके, जिसकी वजह से ट्रेन के हादसे ना हो। आपको याद होगा बेंगलुरु के रामेश्वरम में एक बम ब्लास्ट हुआ था, तो बम ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था, जो पाकिस्तान में है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है, उस वीडियो में वो बकायदा कह रहा है कि ट्रेन हादसे करो ताकि भारत में अराजकता फैलाई जा सके। भाई मैं तो, मेरे अगर कोई बस की बात नहीं है ना तो बोल तो सकता ही हूँ, ठीक है, बोलना बहुत आसान है। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, मानते भाई उस पर ईंट पत्थर रख दिए जाते हैं, मेरे बड़े भाई भी कह रहे थे, हाँ ये कह रहे थे ईंट पत्थर, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, हो सकता है आपने देखा हो, मैंने नहीं देखा है, मगर जो पुल गिर रहे हैं वो कौन गिराने वाले हैं? पुल भी भाई दूसरे गिराने, अगर पहाड़ लकड़ी रख देते हैं तो पुल भी दूसरे गिराने वाले होंगे, जो छत जो टपक रही है ना उसमें सुराख भी किसी करे होंगे, कल आप ये भी कहो, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं भाई मैं बता तो रहा हूँ, राम मंदिर जो बना है उसकी छत टपक रही थी या नहीं, उसमें भैया किसी सुराख तो नहीं करे, ये कहो ना यार मैंने मारे बढ़िया नहीं लगाया है, अब जो मोती गिर, अरे सुन लीजिए, जब हम टेंट में थे तब किसी को चिंता नहीं होती थी, जो परमिशन ले लेके हम टेंट चेंज करते थे किसी को दर्द नहीं होता था, आज एक फोन टपक गया तो सबको दर्द होता है। तो उसकी वजह से भी काम चलो, इसलिए पानी टपक रहा है, ठीक है, वो आंदा ठीक होना ही होगा, आपने बोला मेरी बात सुनी, इन्होंने बोल दिया भाई ठीक है, बाप काम चल रहा है, जो पुल बन के तैयार हो गए उनपे मंत्र में गाड़ियां दौड़ने लगी, यहाँ वो पुल कैसे गिर गए भैया, दो साल नहीं चलते पुल गिर जाते हैं, उसमें किसी ने गिरा दिए भाई, उसमें तो लकड़ी किसी ने रख दी, सच बात है मेरे, अभी जो मूर्ति गिर गई है ना वो तो किसी ने गिरा दी, वो कैसे गिर गई, जब यार 100% 100 में अगर 20 रुपए लगाओगे ना रोड नहीं चलेगा, रोड क्यों नहीं चल रहे हैं, लगाओ ना 80%, आप 20% खा जाओ, आप जब 20% लगाओ 80% खा जाओगे तो गिर ही जाएंगे भाई, बचाने को सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात आप ये कह रहे हो, अगर रोड आप बना रहे हो, रोड देखभाल करने की आपकी जिम्मेदारी आप सरकार में हो, आप कह रहे हो यार 20%, हकीकत बात मेरे बड़े भाई
मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं है, 20% रुपए लगता है चाहे रोड हो चाहे किसी चीज में हो। जब आप घुटाला इतना लंबे कर जाओगे कोशिश रुकेगी नहीं। पुल को छोटी बात है भाई, उसमें हम भी चलते आप भी चलते हो, कितने लोग मरते होंगे ना, उसका दर्द आप समझते हो। जब उसमें पैसे क्यों नहीं लगते, आज पुल क्यों गिरते हैं मेरे भाई? चलो हमने आपको मान ली पटरी पे, उन्होंने मान तो लकड़ी रख दी, आप कह रहे मान तो मैं ईंट रख दी, पत्थर रख दिए, पुल पे ऐसी क्या चीज रख दी, सारे पुल मान गिरते चले जा रहे हैं। सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बताया अभी कि आप ट्रेन से सफर करते हैं, ट्रेन का सफर सेफ है? मैं आपको बताता हूँ, सारे सेफ है। जिस दिन जो गलत काम करता है, जो भी कोई हो, अगर उसको उसकी सजा निर्धारित हो जाए पकड़ने के बाद, चाहे वो राजनीति शरण में हो चाहे आम इंसान हो, जिस दिन ये देश में सजा मिलने लग जाए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लाई है चाहे आम बंदा है, उसकी जवाबदेही तय हो, तो ये देश में ये क्राइम ही खत्म हो जाएंगे। कैसे मारेगा कुछ भी नहीं कर सकता ना, हो ही नहीं, चाहे ट्रेन में करो चाहे बस में करो। अब बस की यहाँ से जा रही है, आगे एक गाड़ी खड़ी है, उसके सेफ्टी पीछे लगी नहीं, तार से पीछे उसका एक्सीडेंट होता है, उसका कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार थोड़ा। कल एक मैं मीडिया देख रहा था, एक जगह पुलिस वाले लोग क्रेन खड़ी करके बैरिकेड के बिना पब्लिक को रोक रही थी, ट्रक वालों को, भैया हफ्ता जो भी अपने कागज क्यों? तो इसलिए सफर सारी जगह से, जहाजों में कैसे सफर सेफ है जी? उसमें नेता चलते हैं। अच्छा, नेता चलते हैं ना जहाजों में, जहाजों में कोई पत्थर मार के देगा, एयरपोर्ट के अंदर नहीं एंट्री हो सकती। तो ये है ना, इसलिए जागृत 21वीं सदी का हमारा देश है, इतना बढ़िया देश है, इतने यहाँ खनिज पदार्थ जो मर्जी ले लो। देखो अगर ये नेता इनके जवाबदेही हो जाए एमएलए इलेक्शनों के बाद, कि हर जिले के अंदर इन्होंने इंडस्ट्री खोलनी है, हर इंसान को अपना घर बार छोड़ना, आज की डेट में बंदा जन्म कहाँ लेता है, जवानी उसके काम होती है, मरण कहाँ होता है, क्यों छोड़ रहा है अपना घर? रोजगार के लिए छोड़ रहा है ना, तो वो रोजगार के इनको होना चाहिए अपने जिले के अंदर रोजगार। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, जो होनी होती है जब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ से होते हैं तो होनी हो जाती है तो हो जाती है, हाथ से कोई करवाता कोई नहीं। अगर हाँ जी, वेलकम टू इंडिया। तो ये जो लोग कह रहे हैं वो कि साजिश है, ये साजिश तो ये सब बोलते रहते हैं, साजिश है ये वो, ये तो सब बोलने के सब ड्रामे हैं, कहते हैं लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये हादसा कोई ऐसा ऐसा हादसा क्यों करा? ये लापरवाही है अधिकारियों की, देखभाल वालों की, जो वहाँ कर्मचारी हैं काम करने वाले उनकी देख उनकी लापरवाही। अच्छा, पर पटरी पे कोई कितना दूर तक जाएगा देखने? देखिए जब कोई काम कार्य हो या कितना भी बड़ा हो छोटा हो, देखना तो पड़ा है। अब कोई कुछ भी रख सकता, कोई पागल भी आके धर देगा तो क्या होगा? कोई पागल भी तो आके धर सकता,